साहब, ये आपका रुमाल, नया मुर्गा मुबारक हो। बदतमीज, शट अप। कब हलाल करोगी? तुम्हें क्या, चार दिन से तो क्लब में नहीं आए हो, कोई और मिल गई है क्या? क्या हुआ सिल्वी? सिल्वी, सिल्वी, जा भाग जा। आज आओगे? आइए। क्यों भैया, कितना हुआ? ओहो सेठ जी, गुलाम किस मर्ज की दवा है? अरे एक ही बात है, देखिए झगड़ा हो जाएगा। अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा चलिए चलिए। ए हीरो, बंदे की सारी इज्जत तेरी हथेली में आए। उल्लू का पट्टा, ये बटुआ कहाँ से ले आया? 100 रुपए का बकरा है, 20 तेरे माँ का सब। थैंक यू। चलो बाकी का तुम्हें रख लो।
अरे भाई क्या गड़बड़ है? क्या भाई क्या हो गया? अरे हीरो बड़े मौके से आए, जरा मेरे पैसेंजर ले जाओ। तुम मेरी गाड़ी ले जाना। साहब आप लोग इसमें आ जाइए। आइए साहब आइए। अरे सुन, अगर गाड़ी ठीक करनी ना आती हो तो ड्राइव ही नहीं किया करते, समझे नहीं? अच्छा तो तू ही कर दे ना। अच्छा जा। अच्छा चले। हाँ हाँ वो रतनलाल ना म्यूजिक डायरेक्टर, वो पिछले साल चले गए, ये पता दे गए। कितनी दूर है उनका घर? यही 8-10 मील। 10 मील किसी दूसरे शहर में? नहीं आई हो बंबई में, टैक्सी में चले जा। आज मैं रतनलाल से साफ साफ कह दूंगा कि भाई अच्छे अच्छे गाने बनाओ, जब म्यूजिक डायरेक्टर बनाए तो अच्छे गाने बनाने चाहिए। बिल्कुल, चलो पकड़ते हैं उसको। रघुनाथ जी, तुम उस रतनलाल के यहाँ जा रहे हो? इस बच्चे को भी साथ लेते जाओ जी। अच्छा बेहतर है, आओ चलो। आइए बगल से टैक्सी पकड़ लो। टैक्सी चलो। कहाँ चलोगे? जुहू। क्या दोगे? दोगे दोगे क्या मतलब? मीटर नहीं है क्या? खाली नहीं है। बोलो क्या लोगे? बोला ना बाबा कि दूसरी टैक्सी ले लो। दूसरी टैक्सी है कहाँ? अपने को नहीं जाना भाई। अबे नखरे क्या करता है, बोल क्या लेगा? 15 रुपये। ठीक है चलो। कहीं मुर्गा कहीं मुर्गी। क्या कहा बे? ए कुछ नहीं, यूं ही एक बात याद आ गई। तो कोई घर नजर नहीं आता। चलो उन पेड़ों के पीछे उनका बंगला है, आओ। 15 रुपए। ठहरो अभी आते हैं। किराया देते जा भाई। कहाना भी आते? वापस जाने की तो बात नहीं हुई थी। अबे गर्म क्यों होती हो, 5 रुपए और ले लेना। कितनी देर में चलोगे? यही सिर्फ 1-2 घंटे में। घबराते क्यों हो, आओ चलो चलो। साहब
साहब। चल बैठ। घर नहीं है तुम्हारा? बंबई में नहीं आई हो? किसी से मिलने? किससे? ओहो, रोती क्यों है, पहुंचा दूंगा, लेकिन बताएगी भी कि कहां जाना है। रोना ही है तो गाड़ी में बैठ के रो ले, चल जल्दी कर, नहीं तो गुंडे आ जाएंगे। चल है पता, मेरा बटुआ तो गुंडे ले गए। तो फिर अब किराए का क्या होगा? वो कह सकता है, अगर वो घर पर हुए तो उसी वक्त दिलवा दूंगी। कौन है ये रतनलाल? म्यूजिक डायरेक्टर। मामा लगते हैं तुम्हारे? चाचा? ससुर? तो फिर कुछ नहीं लगते। ओ, तो मामला खतरनाक है, कुछ नहीं लगते। यही बिल्डिंग है, चलो आओ। यही लगता है फ्लैट तुम्हारे उसका। मिस्टर रतनलाल, अरे कोई हाय, क्या कर रहे हो? ऐसे थोड़ी उठेगा। ज्यादा गहरी नींद में सोते हो, मार और मुर्दा। कुछ चाहिए? संभालिए अपने मेहमान। आप रतनलाल जी हैं? कौन रतनलाल है? तो वो कहाँ रहते हैं? किस पते पे आए? यही गुलनार बिल्डिंग, फ्लैट नंबर 4। फ्लैट नंबर 4। अब आपकी बारी है। ये है फ्लैट नंबर 4। क्या मुसीबत है, क्या कर रहे हो? जूते मार रहा हूँ। ये मेहमान तुम्हारे हैं, संभालो। आखिर आप हैं किसके मेहमान? रतनलाल साहब आप ही हैं। मैं मोतीलाल हूँ। कौन सा रतनलाल चाहिए? रतनलाल म्यूजिक डायरेक्टर। वो तो यहाँ से कब से चला गया? कहाँ? ये कुलाबा, वर्ली, दादर, मलाड पर है, बम्बे में है, बंबई में। तो चलो फिर। मां बाप कहते होंगे शादी कर लो और तुम रतनलाल के चक्कर में बंबई चली आएंगे, ठीक है ना? कुछ कुछ यार, लोग पहले ही ताड़ गए थे, वापस चली जाओ। मां और पापा दोनों नहीं। मामा है, पैसे की खातिर ब्याह देना चाहते थे। इस रतनलाल को कैसे जानती हो? पिछले साल हमारे गांव में आए थे, मेरा गाना बहुत पसंद किया था। सिर्फ गाना? कहते थे बंबई आना, काम दिलवा दूंगा, बहुत नाम हो जाएगा। नाम क्या है तुम्हारा? माला। माला, अच्छा नाम है। मेरा नाम मंगल है, लेकिन यार दोस्त हीरो पुकारते हैं, हीरो। तीन चार जगह देख लिया है, अब बताओ क्या करें? क्या करूं, कहां जाऊं? ये लो चाबी, सामने मेरा कमरा है, वही सो रहो, मैं टैक्सी में सो रहूंगा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? जा बहस नहीं कर, चल। कैसे हो? ये मकान तुम्हारा है? अरे अपना मकान कहाँ, छोटा सा किराए का कमरा है। मैंने तो सोचा था तुम बहुत अमीर होगे, बंगला होगा, नौकर होंगे।
ये कैसे सोच लिया तूने? मोटरों वाले अमीर होते हैं ना? अरे ये तो टैक्सी है। टैक्सी भी तो मोटर होती है। देखो मोटर अमीरों की नौकर होती है, टैक्सी गरीबों की अन्नदाता। चल चलिए आओ, जा सो जाओ, और अगर भूख लगी हो तो रोटी का टुकड़ा पड़ा है और दरवाजा अंदर से बंद कर लीजो। हाँ हेलो सिल्वी, बड़ी देर कर दी आज। सिल्वी हाय माय डियर डार्लिंग, मेरे हीरो का हीरा, नहीं नहीं मेरे हीरो की हीर, मैं तुम पे नज़म लिखूंगा। सिल्वी मैं अरे वो जो गाना, अरे जो नाच, वो जो गाना, अरे चला दे छुरिया, पड़ गए जख्मी, लगा दे मारो। आज बहुत देरी लगाया सिल्वी। मम्मी मैं फिर शाम को ताज में गई थी, वहां शायद मुझे नौकरी मिल जाए। मिसेस थॉमस सिल्वी को ताज मत जाने दो प्लीज, मैं अगर रेस जीत गया ना तो इस जगह को ताज से भी अच्छा बना दूंगा। हाँ तुम रोज ऐसा बोलता है, एक महीने का थंगा नहीं दिया। एक महीने का पगार नहीं मिला तो क्या हुआ, रेस जीते ही डबल कर दूंगा। हाँ सिल्वी के लिए तो सब कुछ हाजिर। हेलो बोल रहा हूँ। हाँ हाँ अरे हाँ बाबा हाँ, कितने टाइम बोलने का, वही वही। अरे डिमोलो साहब मरवा दिया ना बड़ा बता के। अबे देख तो सही, अच्छी रेस में जीत के छोड़ूंगा। हाँ अरे ये तो हमेशा ही बोलते हो। क्यों डिमोलो साहब? हेलो हीरो। अरे क्यों हीरो? अरे भाई साहब देखा, अबे चल हट, बद्दू आ रही है तुझे, फिर पी के आया है? अरे कौन बोलता है पी के आया हूँ, ये देखो बोतल खाली तो है, ए, देख लेना ए, आवाज करती है। अरे हीरो बात ये है कि ये खास बोतल अपने खानदान में चली आ रही है, इसमें कुछ ऐसा मसाला है जो भाई लोग उंगली डालकर चाटते थे और चित हो जाते थे, वो लोग तो चाट चाट कर खत्म कर गए और खत्म हो गए, लेकिन प्यारे मैं तो सुनकर ही मस्त हो जाता हूँ। डिमेलो साहब क्या बात है, ये आदमी हमेशा आपके कलम में पीकर चलाता है। कौन ये मस्ताना? नो, ये पिता विता नहीं है, पी के आया तो मैं कभी अलाउ ना करूँ उसको यहाँ आने के लिए, उसकी सूरत ही ऐसी है, हमेशा मस्त दिखता है और नाम भी है मस्ताना। लेकिन ये कैसे हो सकता है? Why not? अरे भाई एक बार पुलिस वाले इसी धोखे में से पकड़ कर ले गए थे, बाद में मालूम होगा पीता पीता कुछ भी नहीं है, खाली पीली धांधली मचाया करता है, देखो ना। अच्छा तो जिंदगी ही नशा है। That's right, that's right. मैंने कहा जियो प्यारे। दिल प्यार की दे कोई सुहाना
अरे यार वो 100 रुपया सेठ का मारा था, 20 रुपया तेरा हिस्सा। तू नहीं लेगा तो मैं तेरी टैक्सी में डाल देता हूँ, इसी को पिला देना। क्यों टैक्सी पिएगा? अरे काय को नहीं पिएगा? ए भाई वो टैक्सी तो अपने को चाहिए एक रात के लिए। क्या करेगा टैक्सी लेकर? क्या करूँगा? ये देख तो ये क्या है, ये क्या है? नोट है और क्या? अरे तौबा करो, ये 80 कीले हैं जो मेरे सीने में चुभ रही है। जब तक निकाल नहीं फेंकूंगा अपने को चैन नहीं पड़ने वाला। मेरी जेब में रखते कर ले जाना। ए भाई जेब तो मेरे पास भी है मगर ये हराम का माल है। तुम्हारे पास गया तो तुम्हारी भी नींद हराम और साथ में अपनी भी। जा फट जा। अरे भाई मगर वो सुनो तो यार, टैक्सी अपने को चाहिए ना। अच्छा जा ले जा, क्या याद करेगा। क्या भाई चाहिए तो घर छोड़े हो मंगल। नहीं याद सुनी, सड़कों पर पैदल चलने को जी चाहता। ऐसा तो पीछे घूमते जाओ भाई। मीठी है चल टोने। सरकार के बाजीगर जलंधर की झाग। तेरा बाप किधर है भाई? ऊपर है चल। मैं समझा गाड़ी उल्टी है मगर इधर तो मैं ही उल्टा था। हीरो ये तुम टैक्सी लो और मैं चाबी में सोता हूँ। अबे ऐसी चाबी दूंगा कि नानी याद आ जाएगी। संग सखी सुंदर चतुर गावही मंगल चार गवनी बाल मराल गते सुषमा अंग अपार। इसकी आवाज सुन रहा हूँ मैं। आह कितनी मीठी आवाज है। मालूम होता है कोई हलवाई की बेटी है या शायद किसी शहद की मक्खी ने काटा होगा। मगर यार ये आवाज तो तेरे ही कमरे से आ रही है। अबे देखता नहीं दरवाजा बाहर से बंद है? वो तो देख रहा हूँ। फिर क्या कोई भूतूत तो नहीं ना? अबे रेडियो है रेडियो। हाँ रेडियो है। खैर छोड़ो मगर वो चाय पानी के लिए कुछ माल पानी। माल पानी? वो 80 रुपए कहाँ फेंक दिए? वो जो 80 कील तेरे सीने में चुभ रहे थे। औरत दाद बड़ी कमजात होती है। एक गाना सुनाया और 80 के 80 ले ली। इसीलिए बड़े चैन से सो रहे थे। ये ले और दो रोज सूरत नहीं दिखाना, चल भाग। ये क्या सुबह सुबह गला साफ करना शुरू कर दिया तूने? रामायण का पाठ कर रही थी, वो कहते थे सुबह सुबह रियाज कर लिया करो। वो कौन? रतनलाल? हाँ कहाँ है वो? उसे ही तो ढूंढना है ना। चलो मुझे पीछे क्यों बिठा छोड़ते हो नौकरों की तरह? अरे नौकरों की तरह नहीं मालकिन की तरह। यहाँ उल्टे रिवाज है। तुम बिल्कुल फंटूश हो। फंटूश?
फंटूश क्या होता है? फंटूश का मतलब नहीं जानती? तो तुम क्या जानती हो? फंटूश का यही मतलब है, फंटूश का मतलब है फंटूश। रतनलाल साहब यहाँ रहते हैं? नहीं नहीं। आज तुम कमरे में सो जाओ, मैं टैक्सी में सो जाऊँ। बाहर रही तो फिर गुंडे परेशान करेंगे। चलिए आप, मेरा फिक्र न करो, मैं बड़ा आराम से सोता हूँ। अरे सिल्वी, सिल्वी पुकारूं मैं बन में, बन किधर है, रोड है ये तो। अरे सिल्वी प्यारी बसी मोरे मन में, कोई देता तो नहीं ना? नहीं ठीक है, लेन क्लियर है। तुम बिल्कुल फिक्र न करो सिल्वी, डोंट वरी एट ऑल। अब की अगर रेस में मेरा घोड़ा आ गया ना, तो इस होटल को चमका दूंगा, ताजमहल होटल बना दूंगा। मेरी जान सिल्वी, तुझ में बिजली की दमक, तुझ में हीरे की चमक, वो हीरो कहाँ है? ये तो मैं भी पूछना चाहती हूँ। क्या पूछ रही थी मेरी जान? अरे हाँ, बड़ी लंबी उम्र है, अभी तुम्हारी याद में तड़प रही थी। ये हमारी यार हीरो, इसने सिल्वी पे नज्म लिखी है, सुनाना यार। नज़म क्या खाग लिखूंगा, सिल्वी की तो कोई तुक ही नहीं मिलती। अगर होता सिल्वा तो बना देता हलवा। एक हुई, एक मेरी हो गई। अच्छा शो 9, 10, 11 खेल जीत गया। तू बाज नहीं आ गया बाबू? आज तो बीवी के बूंदे बेच कर लाया था, अब तो रहम के लायक नहीं। ये पत्ते लगाता है ये? नहीं ये नहीं लगाता, मैं लगाता हूँ, लेकिन पत्ते ही थी। तो चाल लड़। हीरो घर जाना है ना, तरस आ जाता है तुझ पे, वरना ले एक और दे दे, और इस तरफ मत आना। चल एक और दे दे, तरस बड़ा आता है। चाप खाओगे हीरो? वही है, वही है, कब से ढूंढ रहा हूं। मस्ताना, कुत्ते को क्या चाहिए? हड्डी। तुमने ठीक कहा। छोकरी कहाँ है? जीने दो जीओ, चढ़ते जवानी के दिन है। जीने दो जीओ, चढ़ते
गुस्सा ही ठंडा कर गई। फिर मिलूंगा तुमसे बेटा। बखुशी क्यों बे छुपे रुस्तम, कौन सी छोकरी छुपा रखी यार उसे? कैसा सा रेडियो है ये, तो मैं भी पूछना चाहती हूँ। तुझे मतलब कौन है वो लड़के? ज्यादा जबान चलाई तो मैं हड्डियां नरम कर दूंगा। टैक्सी ड्राइवर खाओ मजा। टैक्सी ड्राइवर देख 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 हीरो हीरो ये ले और चल फट जा। हीरो चल आज मैं तेरा गम गलत करा दूं। अबे चल बे। ये क्या है? दुनिया गोल है। अच्छा दुनिया गोल माल है। गोल तो है मगर माल किधर है? जहाँ गोल माल है वहीं माल है। अच्छा और जहाँ माल है वहाँ गोल माल है। अच्छा तो इसीलिए दुनिया गोल है। ये टैक्सी रोज उधर जाती है और इधर से आ जाती है। मैं समझ गया, अपना मोहल्ला अपना शहर भी गोल है। अपना दुनिया में कौन है? कोई भी नहीं। ये टैक्सी है लेकिन टैक्सी भी नहीं, सारा पेट्रोल खत्म हो जाता है। मैं इससे तंग आ गया, इसको आग लगा दे। मुझे तो मुझे दे देना, मैं आग लगा दूंगा। तू ले 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 लो। अरे तेरी बहुत अच्छे फिर क्या है? क्या बहुत सीट छुपती है जानते भाई बिंदु भाई जाती
किधर है ड्राइवर, किधर गया? तुम्हें क्या हो गया? क्या हुआ? आंखें लाल है, माथा गर्म है, इतनी जोर से ना पकड़ो, छोड़ो ना। क्या हो गया है तुम? चलो चल के बैठो। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तुमसे? तुम्हें भगा के ले जाओ तो ले जाओ, लेकिन ले कहाँ जाओगे? मैं तो तुम्हारे घर में ही हूँ। मुझ पर इतना भरोसा है तुम्हें? इससे भी ज्यादा। क्यों? मैं रामायण पढ़ रही थी ना, राम बड़े दयालु हैं, तुम भी वैसे ही हो। ओ, नहीं, मैं वैसा नहीं, मैं बहुत गिरा हुआ हूँ। मेरी आंखों में देखो, लाल है। और कुछ नहीं? कुछ नहीं। आप बताओ क्या? शराब पी है मैंने, शराब। देखा किस पर भरोसा करती हो, मैं शराबी हूं, गुंडा, मवाली हूं, टैक्सी ड्राइवर हूं, टैक्सी ड्राइवर। मंटोशो, क्यों पी? मेरी मर्जी। टैक्सी ड्राइवर। ये क्या कर रहे हो? जिस पर थूकती है, जो कौड़ी का आदमी भी जिस पर पुलिस सड़कों पर रोक जमाता है। टैक्सी चला नहीं जाएगा सेठ, कैसे नहीं जाएगा? तुम्हारा बाप भी जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। मेरी टैक्सी कौन सा है मुझ पर रोक जमाने वाला? लेकिन कौन ससुराल सुनता है? जो किराया देता है मालिक बन बैठता है, लेकिन कौन चीज किराए पर नहीं मिलती? और फिर भी वो दलील औरत सूख कर बकती है टैक्सी ड्राइवर। भाई कह दिया ना, गलती हुई, माफ कर दो। अरे भाई मैं शराबी नहीं हूं, परमिट होते हुए भी नहीं पीता, यूं ही पैसा बचा लेता हूं। ओहो, कह दिया ना नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, बस लो ये परमिट पड़ा है, जो चाहो कर सकती हो। अब मुस्कराई ना, चलो इसी खुशी में तुम्हें घुमाना है, क्या याद करोगे? देखो माने नहीं,
देखो माने नहीं रूठी हसीना, न जाने क्या बात है। आए साजन के मुंह पे पसीना, न जाने क्या बात है। देखो माने नहीं रूठी हसीना, न जाने क्या बात है। आए साजन के मुंह पे पसीना, न जाने क्या बात है। dir 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 ओ देखो माने नहीं रूठी हसीना, न जाने क्या बात है। आए साजन के मुंह पे पसीना, न जाने क्या बात है। काहे कोई उतरा है दिल से किसी के, आया होगा रात को पीके। क्या कहा पीके? ऐसे कैसे बीतेंगे दिन जिंदगी के। भर कर आंसू पीके मन नहीं, ओ देखो मन नहीं रूठी हसीना, न जाने क्या बात है। आए साजन के मुंह पे पसीना, न जाने क्या बात है। देखो बेचारा सजन रोता है, अब पछताए क्या होता है। मिले दिल दिल से तो क्या खोता है। ओ देखो माने नहीं रूठी हसीना, न जाने क्या बात है। आए साजन के मुंह पे पसीना, न जाने क्या बात है। देखो माने नहीं रूठी हसीना, न जाने क्या बात है। आजकल बड़ी कड़की है प्यारे। हाँ यार, घर आ रही है। अच्छा भाई, अच्छा भाई, अच्छा। अब तो भाई को तगड़ी सवारी आए तो बात बनती है। अब वो तो है ही। ए हीरो, जो मैं देख रहा हूँ तू देख रहा है क्या है? तेरी भाभी आ रही है। बाप रे, अबे तेरी भाभी है, डरता क्यों है? अबे देख, तू भाभी को चाय में पिला और आराम से घर ले जा। बचा मगर यार सवाल ना पूछ। अब ये कहाँ जाता है? ए हीरो, ए भाई, कमा रहे हैं। भाभी आ रही है। अरे मेरी और किसकी? तो तुझे यहाँ देख लिया उसने तो दोनों मर गए। तो क्या तो लगा रखी है? कुछ कुछ सोच, कहीं एकदम ना टपके। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें छोकरा बना रहा हूं। तू आज से मेरा क्लीनर है। क्लीनर हो? ये क्या कर रहे हो? सफाया कर रहा हूं। छोड़ोगे? सफाया। मेरे बाल क्यों काट डाले? अभी यहां तकती तो बिल्कुल सफाया हो जाएगा। कहां है? ले जल्दी से पहन ले, ले मैं बाहर खड़ा हूं। बाल और काट ले, टोपी जल्दी कर ले, बिल्कुल छोकरा बन जा। अबे जल्दी कर, जल्दी।
अरे तैयार है कि नहीं? अच्छा, अरे वाह, ठीक है। अच्छा देख, आज से तेरा नाम माला नहीं है, तेरा नाम है राजपूत। अबे रोता क्यों है? मेरे बाल उनको बहुत पसंद। किसको? रतनलाल को? तेरे रतनलाल। क्या नाम है तेरा? माला। अबे माला नहीं, राजपूत, 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 राजपूत। हाँ, जरा चल के दिखा राजपूत, चल। अरे ऐसे नहीं, मर्दों की तरह चल। हाँ ठीक है। ए माला। अरे राजपूत। शाबाश, तुम्हें कोई गाली निकालनी आती है? नहीं। तो तुम्हें छोकरा कौन कहेगा? चल निकाल गाली मुझे, चल। अबे मैंने तेरे बाल काटे हैं, निकाल गाली मुझे, निकाल। तुम पापी हो। ये तो तू प्यार कर रहा है। अबे कोई ऐसी मोटी गाली निकाल के तबीयत साफ हो जाए, जैसे साला सुअर गधा पाजी उल्लू का। राम राम। और देख, जब बात करो तो हर पांचवा लफ्ज साला होना चाहिए। साला तो बेनुई का होता है। यहाँ हर आदमी और हर चीज या साला है या साली, ये मर्द की निशानी समझी जाती है। जैसे ये साली खाट, ये साला कमरा, वो साली खिड़की, तू साला राजपूत, तू साला हीरो। अरे वाह मेरे पट्टे, ले बिड़ी लगा सूटा, चल। अरे भाभी, तू क्या भाई है? अच्छा हुआ तू आ गई भाभी, मैं बहुत उदास था तुम्हारे बगैर। लेकिन तुम पैदल चलकर क्यों आई हो? मैं मर गया हूँ क्या? हाय हाय, ऐसा ना कहो। क्या मैं बता रहे, टैक्सी भी क्यों नहीं लाया भाभी को? है घर चल, तेरी खबर लूंगा, चल चल बैठ। चल सामान रख गाड़ी में, चल। अबे बैठ। आओ भाभी। अबे और राजपूत, प्रणाम कर भाभी को। जीते रहो बेटा। भाभी ये मेरा नया क्लीनर है, बड़ा होशियार लड़का है। हमको मर गए थे जी, नया क्लीनर लाओ। अबे जा तू जाके बोतल चूंग। राजपूत गाड़ी साफ कर, और देख सब्जी खरीद लाना, आज भाभी खाना पकाएगी। हाँ शाबाश, जा। आओ भाभी। वाह वाह खूब करता है, जैसा कि गाड़ी साफ कर रहे हो, मालूम है क्या? बहुत अच्छा। मैं दो ही दिन के लिए तो आई हूँ बात पक्की करने। कौन सी बात? वो जो तुझे पत्र लिखा था ना, तेरी सगाई का। ओ, छोड़ भी ना भाभी वो। छोड़ू क्यों? सामान बांध और मेरे साथ चल। खैर तू बैठ तो सही, तुम्हारा सामान लेके आता हूँ। बताना मामला जरा खतरनाक है, यूं ही जरा शादी वादी का सिलसिला है। चांडाल चौकरी को ले आ, उन्हें समझा देना कि ये बात है। जल्दी गाड़ी ले जाऊंगा। ले जा। बहुत अच्छे। अबे क्लीनर के बच्चे, गाड़ी साफ करना भी मालूम है? चल हट इधर से, देख गाड़ी इस तरह साफ करते। अबे जल्दी कर, थूकना बाद में। अच्छा अच्छा चल बैठ गाड़ी में, जल्दी से देख क्या चमकी है। ये रामायण कहाँ से ले आया? आजकल मैं बड़ा धर्मात्मा हो गया हूँ भाभी। ये मत कहाँ से सीखी तूने? भाभी अंदर धर्म हो तो बाहर आ ही जाता है। अच्छा प्यारे, तो हीरो की शादी का मामला है?
रोएगा शादी करके मेरे माफक सब बिजदिल हो। अरे औरत से डरते हो? तूने अभी औरत नहीं देखी, जरा बड़ा हो जा, ले दो दम लगा ले। अबे छोकरा बीड़ी पीता है? अरे मर्द बच्चा हूँ। देखा मर्द बच्चे को? नहीं भरती गए। ए क्लीनर, अबे ओ, ए भाई सुनता है क्या? ले देखा ना, अबे तरकीब बताई थी उस तरह साफ कर। ये क्या बात है, अब चमकी है ये लो भाभी। अरे भाई मस्ताना से मालूम हुआ कि भाभी आई हुई है, हमने कहा चल के मिल लिया जाए। अरे भाभी पानी पे ही डाल रहे हो, थोड़ा लेमन का ऑर्डर दिया होता अब इसकी शादी कर डालो भाभी, ये बड़ा बिगड़ता जा रहा है। अरे चुप, ठीक तो कह रहा है। क्या ठीक कह रहा है, कोई अच्छी लड़की से शादी करा लो, मेरी जैसन है, मेरी लव मैरिज था, वो बीबी निकला बदमाश, मैंने पीटा उसको, वो भाग गया साला। बस खास बड़ी अच्छी लड़की है, मेरी छोटी बहन है। बस बस ठीक है, इसके मुकदमे का फैसला होते ही शादी कर डालो। कैसा मुकदमा? अबे मस्ताना के बच्चे, सारी पोल खोलेगा क्या? बता रहे मंगल, ये मुकदमा कैसा है? कुछ नहीं भाभी, मैं यूं ही किसी को मार बैठा था। क्यों लड़ाइयां मोल लेता है रे, बताना क्या हुआ? यूं ही एक रोज शिवाजी पार्क के पास मेरी टैक्सी में तीन सवारियां आ बैठी, दो आदमी थे एक औरत थी, बोले चलो, मैंने कहा चलो। अब ध्यान से सुनना भाभी, मैं टैक्सी लिए जा रहा था तेजी के साथ, बंबई से मीलों दूर निकल गया। मैंने कहा आज अच्छा मुर्गा फंसा है, खूब पैसे मिलेंगे। मैंने पूछा भले लो कहाँ जाओगे? भाभी मेरे पूछने की देर थी कि एक आदमी ने मेरी गर्दन पर छुरा रखा, बोले चलता चल वरना छुरा भोंक दूंगा। मेरे होश उड़ गए भाभी, रात हो गई, अंधेरा सुनसान बियाबान, बारिश होने लगी, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी कि एकदम लड़की की चीख पुकार सुनाई थी, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। एक सुनसान झोंपड़े के पास जा उतरे और गुंडे लगे लड़की को घसीटने, लेकिन भाभी मैंने जो एक गुंडे को वो पटका है कि वो तो वहीं लौट गया, लेकिन दूसरे गुंडे ने मुझे यूं छुरा भोंक दिया। भाभी मैंने जो छुरा निकाला है और देखता क्या देखता हूं कि गुंडे भाग चुके हैं और लड़की बेचारी बिलखती जा रही थी, रो रो के बुरे हाल हो रहे थे। मैं उसे वापस लाया, लाकर उसे एक होटल में कमरा लेके दिया, बोला तुम यहां रहो। और दूसरे दिन भाभी मैं उसका हाल पूछने गया तो मुझे मिला उसका चचा, उसने मुझे पूछा पाछा तो कुछ नहीं, दे एक थप्पड़ दे मारा। अरे मुझे जब गुस्सा आया है भाभी तो मैंने भी उसका हुलिया टैट कर दिया, पुलिस आ गई और मुझ पर मुकदमा चल गया। इस मुकदमे का क्या होगा? अब कुछ नहीं भाभी, 3 महीने या 6 महीने जेल। इसीलिए तो कहता हूँ भाभी कि साल भर के बाद शादी कर डालो, बाहर आते ही अगर छुट्टा मिला तो फिर अंदर समझ लो। तो शादी करा दो ना भाभी। मुकदमा तो खत्म होने दे, शादी भी हो जाएगी, और ये तो टैक्सी ड्राइवर ही छोड़ दे, इसमें खतरा है। खैर कोई बात नहीं, पानी तो पी लो। अबे राजपूत चल सामान रख। अबे ऊपर रखना संभाल के। हाँ अरे तो ऊपर की तरह कोई दे तुमको भाई सोए। अच्छा भाभी भैया के प्रणाम क्या? अच्छा पैसे जोड़ कर रखना, तुम्हारी सगाई का इंतजाम करा दूंगी। अच्छा भाभी नमस्ते भाभी। नमस्ते भाभी नमस्ते। तुमने भाभी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। बहुत झूठ बोला। क्यों झूठ बोला? अच्छा अच्छा मैं झूठा हूँ, लुच्चा हूँ, लफंगा हूँ, बस जो कुछ हूँ वो हूँ, लेकिन तुझसे कुछ सुनना नहीं चाहता है? बस लगा रोने। अबे तू छोकरा है या छोकरी है?
वाह लड़के चले आए, मुझे उस रात जरा भी नींद नहीं आई। तू क्या कह रही है चिल्वी? कब आओगे? किसी और से पूछ। ऐसे ही मामूली मुलाकात है, यूं ही नाचती है गंदे से क्लब में, सब लोगों से ऐसी बातें करती है। तुझे कुछ पूछना नहीं? मैं कहता हूं कुछ पूछ तो मर। मैं कहता हूं वो एक आवारा औरत है। कुछ नहीं कहता। अंतुष मान तू मेरी नहीं नहीं मैं तेरी जान एक सॉन्ग हो जाए। क्यों भाई कैसी गई? हो जाए सिल्वी, हो जाए, हो जाए सिल्वी, हो जाए। जब हीरो आएगा तब। तो यानी कि हीरो हमसे ज्यादा प्यारा हो गया और हम जो नजमे लिखते रहे वो सब गड्ढे में। क्यों ना यार, उसे कोई दूसरी लड़की मिल गई होगी। हो सकता है। बस जल गई शमा तो है ही जलने के लिए। जल जल के जलाती है परवानों को। जल जल के जलाती है परवानों को। इसे क्या हो गया भाई? कहाँ हो भाई, होटल में या कहीं और? यार बहुत सोचने समझने पर इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि अब शादी कर ही डालूं। तो इसमें सोचने की कौन सी बात है, लड़की तो तैयार है। कौन है भाई जल्दी बता। अरे वो कोने वाले मकान वाले की छोकरी। अरे उसकी तो एक टंगड़ी टूटी हुई है। तो क्या हो गया, फर्ज करो कि तुम ऐसी लड़की से शादी करो जिसकी दोनों टांगे हो, तो रात दिन ये डर रहेगा कहीं भाग ना जाए। हाँ, और कहीं सीढ़ी पे से गिरी और एक टांग टूट गई तो अस्पताल भागो, सिर भर रुपया खर्चा करो और मन भर दवाई लाओ और टन भर फिकर रखो, खाम मुसीबत में पड़ जाओगे। इसकी तो पहले से टांग टूटी है, तैयार माल है। क्यों भाई, क्या ख्याल है? ख्याल तेरा अच्छा है, मगर उसका माँ बहुत खराब है। तो शादी बेटी से करेगा, माँ से? माँ से। हंसता क्यों, चीना बत करेगा? क्या चल क्या चल, अबे शादी माँ से करेगा? मैंने माँ से कहा। बाबू आओ जरा इसकी खबर तो ले। आओ हीरो, चल एक दो रुपए हीरो के बच्चे। तुम झापड़? मैं तो यूं ही बैठा था, खेलता था। देखो पैसे भी जेब में। जा फट जा। मैं देखता हूँ ना। खबरदार जो खेले तो। नहीं, नाली में ठूस दूंगा। अच्छा एक दो रुपए की। अच्छी लगती हो। तुझसे किसने कहा था कि खुले बाजार में आकर मुझसे बातें कर? न करती। नहीं, तुम नजर आओ, मैं तुमसे बात न करूं। कोई जरूरत नहीं बाजार में बातें करने की। सिल्वी, तुम्हारी मम्मी बुला रही है। हेलो हीरो। हेलो डी वालो साहब। बॉय क्या हाल है? अच्छे हैं। अच्छा हीरो, एंटोन एक कप चाय स्पेशल हीरो के लिए जल्दी। हीरो सिल्वी अब यही रहेगी, ताजी ही जाएगी। मैं जगह को एकदम बदल दूंगा, तुम यहाँ रोज आएगा रोज। पॉइंट ये है कि सिल्वी जो है ना वो तुम्हारी खातिर यहाँ ठहरी हुई है और मैं सिल्वी के लिए ये क्लब चला रहा हूँ। मैं आपका पॉइंट अच्छी तरह समझ गया। अच्छा पॉइंट है। नाराज हो? नहीं बहुत खुश हूँ। सिल्वी सुनो, हम और तुम एक दूसरे के लायक नहीं। ये बात है। ले शो शो, ये ले।
क्यों? सर तेरी फिर जी दिया था। जब तक तू घर बार नहीं बेच लेगा तुझे चैन नहीं आएगा। जा मर। हीरो कितने पैसे पड़े हैं? आ जा जीत ले। नहीं भैया अभी अपनी टैक्सी चलती है। टैक्सी चलती है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। ए हीरो ए भाई सुनो तो कहाँ जा रहे हो? अपन भी चलते हैं। माले जान साहब जरा रुको ना। ए भाई अरे ये तो सचमुच ही जा रहे भाई। अरे पूछो ना क्या कारण है। एक लड़की वो भी सिल्वी। आज तेरी की ले भाई ले सुन ले। अरे हट पर जा करो भाई हनुमान में। हाँ सुना बहुत अच्छी जगह है। तीन पसिंजर हो रहे जल्दी करो। चलो चलो भैया दिल के मामले में लेन ठीक है देन ठीक नहीं समझे ना। अच्छा भैया मैं तो चला सोने। टैक्सी चाहिए हो तो ले जाना। अरे वाह बहुत अच्छे। इस वक्त कहाँ जाएंगे प्यारे? अब तो महफिल तुम्हारे ही कमरे में जमेगी। कहा की महफिल? हमारे यार दूसरी चीज का इंतजाम भी है। मैं कहता हूँ मेरे कमरे में महफिल नहीं जमेगी। फिर तो जरूर जमेगी। बस तारा अरे भाभी साहब मत जा अंदर। अरे झंपट दूंगा चल। अबे वो राजपूत माला हीरो मैं तुम्हारे और सिल्वी के दरमियान नहीं आना चाहती। वैसे भी मैं तुम पर बोझ बनकर बैठी हूँ इसलिए जा रही हूँ। मेरी सबसे प्यारी चीज रामायण है इसे रख लो माला। फ्लैट हो गया। टैक्सी खाली है? रतनलाल साहब आइए आइए। ड्राइवर बजाज टैक्सी में रखो और पंचर लगाकर गाड़ी घर ले आना। रतनलाल साहब रिकॉर्डिंग फर्स्ट क्लास हो गई। गाना हिट है। ठीक है हो गया लेकिन जो मैं चाहता था वो बात उसके गले से पैदा नहीं हो पाई। हाँ जी वो जो आपकी खास मूर्ति है ना मूर्ति वो लड़की कह नहीं पा। अरे भाई वो कैसे कह सकती है। आओ प्यारे आओ। कब से बैठे यार धुनी रमा कर तुम्हारे दर पर। कहाँ थे इतने दिनों से यार? कमाल है भाई। कहाँ चले गए भाई? यार वो डुमरो साहब है ना बहुत याद करता है।
और वो सिल्वी तो तुम्हारी याद में रोती है मन से, और अपन ने तो बोतल सूंघ नहीं छोड़ दिए, समझे ना? क्या बात है, कुछ खो खो से रह रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या मामला है। आओ चलो अड्डे पे, चलो चलो यार। अच्छा चलो चलो चलो। और हाँ, वो अपना वो डिमोलो साहब बोलता था कि वो हीरो नहीं आएगा तो सिल्वी नौकरी छोड़ के चली जाएगी, और फिर वो बेचारे डिमोलो साहब का क्या होगा। Come on, hurry up, Anton, जल्दी करो। करता है ना सर। हाँ, बस ठीक है। अच्छा जाता सर। हाँ, Anton? हाँ सर। देखो कल सवेरे जल्दी आने का। हाँ सर। राजू सर। क्या भाई? हेलो मेरे हीरो भाई, बहुत दिनों में आया हूँ। क्या डिमेलो साहब, जब आते हैं होटल बंद कर लेते हो, कुछ चाय है कि नहीं? अरे भाई चाय है, सब कुछ है, सब कुछ तुम्हारा है, मैं तुम्हारा हूँ, ये क्लब तुम्हारा है। बहुत अच्छे, मगर चाय किधर है? तेरे को चाय क्या करने का? सुनो, वो टैक्सी लेके जाता हूँ। हाँ जा जा। एक बात है हीरो, ये अपनी सिल्वी कुछ दिनों से उदास उदास सी रहती है, खोई खोई सी। आई डोंट नो व्हाट्स हैपेंड टू हर। कह रही थी कि मैं चली जाऊंगी यहां से, तुम नहीं आते ना, मेरा पॉइंट समझे? अच्छा तो तुम बैठो, मैं चाय लेके आता हूं। दिल जले तो जले, और खत आ गया सरकारी। अच्छा कैसा है? आरटीओ का यार, और किसका? वो टैक्स नहीं दिया था ना, दो दिन तक और नहीं दिया तो परमिट छिन जाएगा। तो दे क्यों नहीं देता है? पैसा तेरा बाप देगा? ये मेरे बाप ने कहा था, खाली टैक्सी लेकर अकेला घुमाया कर। अरे यार, बस तुम्हारा राजपूत क्लीनर भी तो भाग गया। क्या बोलता है? तुमने उस तनख्वाह ही नहीं दी होगी। क्या बोलता है भाई?
फिर जाना घूमने के वास्ते क्यों? क्या हो गया हीरो भैया? यार टिकते ही नहीं, किसी के पीछे आए थे पहले, जल्दी है यार। यार हीरो कुछ उदास हो प्यारे, क्या बात है? अपन हीरो के काम नहीं आए तो फिर जिंदगी में कुछ नहीं किया। मस्ताने राजपूत था ना वो क्लीनर। हाँ कुछ ले गया है क्या? हाँ कुछ ले ही गया प्यारे। क्या ले गया? दरअसल बात यह है कि वो छोकरा छोकरी था। छोकरा छोकरी था? हाँ हाँ, जब ही बोलता था रेडियो है, मुझे पहले ही डाउट था कुछ दाल में काला है। मारो गोली उसको, अपनी वो सिल्वी भी तो है। तुम नहीं समझोगे मस्तानी, टैक्सी टैक्सी हीरो सवारी फेर ना यार। अरे भाई सवारी ले नहीं, कमाल करता है। रोको रोको भाई रोको। डार्लिंग हमें दूसरी आया की जरूरत थी ना, तो ये आया का काम करने आई है। रहने की जगह, रोटी और 30 रुपया महीना मंजूर जी, और अगर बच्चों की देखभाल ठीक ना की तो एकदम बाहर जी। यारो आज जिंदगी की हर फिक्र को मैंने भाड़ में झोंक दिया है। आखिरी फिक्र ये 5 का नोट है। चलो इसे भी हलार कर, कल ना रहेगा लाइसेंस और ना चलेगी टैक्सी। ये बात है तो फिर आज इस 5 के नोट को हलाल कर ही डाले। अम्मा तो आओ प्यारे, फिर क्या है, अपनी टैक्सी हाजिर है। हाँ ठीक है, डिमेलो साहब की गाड़ी। हाँ। चलो आज डिमेलो साहब की गाड़ी का खैर नहीं है। हाँ। डिमेलो भी क्या याद करेगा। अरे गम की ऐसी तैसी भुड़त। गम की ऐसी तैसी नहीं नहीं गम गम एक रोग है। क्या बोलते हो? इंसान के तन बदन के लिए है सारे गम पादा निसा। क्या पिटकरी मारिए मन से। हाँ जो चैन चाहे तो कौड़ी न रख कफन के लिए। हाँ। तो ये पंजाई डरला भाई। चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, अरे मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, अरे मास्टर राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। पी के दांत ली करूं तो मुझको जेल भेज दो। तो गम न कर, अगर बड़ा भी डाले से किया तो गम न कर। अरे
खाए जा मजे के साथ जब तलक उधार दे, खाए जा मजे के साथ जब तलक उधार दे। भाव अगर बड़ा भी डाल से दिया तो गम न कर, खाए जा मजे के साथ जब तलक उधार दे। चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, अरे मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। अरे तेरे की हवा निकल गई। जैक लगाओ, क्लिक 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 क्लिक, स्टेपनिंग पहिया, अरे पंपिंग। चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, अरे मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। बांट कर जो खाए उस पे अपने जानो दिल लुटा, बांट कर जो खाए उस पे अपने जानो दिल लुटा। अरे जो बचाए माल उसको जूतियों का हार दे, जो बचाए माल उसको जूतियों का हार दे। बांट कर जो खाए उस पे अपने जानो दिल लुटा, जो बचाए माल उसको जूतियों का हार दे। चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, अरे मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, अरे मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। मस्त राम, मस्त राम, अरे मस्त राम, मस्त राम, मस्त 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 राम, 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 मस्त लाओ रस्सी का जादू दिखलाएं। ये आपकी रस्सी, अब इसे लेकर हम यूं करते हैं और यूं, और फिर कैंची को लेकर इसके दो हिस्से बनाते हैं यूं, और फिर दो हिस्सों को लेकर बीच में सिर्फ एक गांठ बांधते हैं यूं, यानी रस्सी के दो टुकड़े और बीच में एक गांठ। ठीक, अब अपना हाथ लाइए। अब घबराती क्यों है, आखिर जादू तो है। लाइए यूं, और फिर यूं, और यूं, और यूं, और यूं, और यूं। अब देखिए, एक दो तीन मैं हूं वगैरह वगैरह वगैरह, और रस्सी एक हो गई बिल्कुल साबुत। आप तो बड़ा अच्छा जादू करते हैं। अजी हम क्या जादू करते हैं, इससे अच्छा जादू तो आपने हम पे कर दिया। छोड़िए वो जादूगर। ये मुझ पर जादू कर रही थी। ये तुम पे जादू कर रही थी। हाँ। तो जरा मैं भी तुम पे जादू कर रही। नहीं ठहरो। अरे बाल्टी बर्तन तो, अरे डार्लिंग का बच्चा, अरे डार्लिंग, अरे बाप रे, तो बात आया भाई, अरे तो अब करो जादू, मलिदा बना दूंगी और तेरा भी। ये ले अपने 10 रुपए और एकदम भाग। Thank you.
रोक रही है तू? अरे तेरे की निकल गई। कश्ती खुदा के छोड़ दूं, लंगर को तोड़ दूं। ए सर्वे हीरो, मैं तो समझती थी तुम कभी नहीं आओगे। ठीक समझती थी, लेकिन तुम आ गए। खुद नहीं जानता क्यों आया। गाना सुनोगे? नहीं। एक हुई, एक मेरी। शो कलर फिर सब जीत गया। बीवी का आखिरी जेवर बेच कर लाया था। रामखोर, तुझसे कहा था कि बाज आ जा। क्या करूं हीरो? अब कुछ नहीं मेरे पास तेरे को देने के लिए। देख ले जेबें खाली। तुम मुझसे ले लो, हो जाए एक दो हाथ। क्या ख्याल? क्या ख्याल है? अब तो टैक्सी भी नहीं चलेगी। बैठो पार्टनर, ख्याल क्या है? मुझसे लो पैसे, फिक्र क्यों करते? तो आओ बच्चा, जरा संभल के खेलना, ये बाबू नहीं है। हाँ हीरो तो है, हीरो तो है। थाया हीरो, ये पत्ते लगाता है। क्या कहा? तू पत्ते लगाता है। अच्छा तुम बांट दो। खालू घर दे। एक और हो जाए हीरो, जो जुए के बाजी हारता है वही मोहब्बत की बाजी जीतता है, और जो मोहब्बत की बाजी हारता है वो जुए की बाजी जीतता है। क्या समझे प्यारे? मोहब्बत की बाजी तो होती ही रहेगी, जरा ये बाजी हो जाए। लगाओ हीरो, आज आजमा लो मेरी मोहब्बत या ये पैसा, देखो किसकी जीत होती। बांटू? बांटो। हीरो, हीरो शो करा। शो पैसा धरा लूंगा। हाँ शो, ah!
मोहब्बत क्या चीज है? पैसा जी तो पैसा। कहा था बेटा ये बाबू नहीं है। ए हीरो, देख तेरे क्लीनर को पकड़ लाया हूं। क्यों? हीरो पैसे तू जो है। उस दिन तुमने मुझे शराब पीते देखा, आज जुआ खेलते देखा, लेकिन तुम चली क्यों गई थी? क्यों चली गई थी? मानो संतोष, 20 रुपए कमाए, 3 नौकरियां की। तुम्हें खोजते खोजते रतनलाल मिल गया। सच? तो मुझे उनके पास ले चलो। ले चलूंगा। कब ले चलोगे? भाई, अंगेज भाई, चलो। अरे मवाली, तेरे बाप की टैक्सी है? चल बेटा। मुझे तो उस गुंडे पर शक पड़ता है जिसे मैंने जूह पर पीटा था। तुम पता करो कि कौन है और कहां रहता है, और उसके बारे में जो कुछ भी मालूम हो मुझे फौरन खबर दो। जी फौरन। पुलिस में जाकर बके हो बेटा, अब तुम दोनों की खैर नहीं। अगर कपड़े बदल मैं भी आता हूं। बात क्या है? सवाल मत पूछ जा।
टैक्सी ले जाऊं? हाँ हाँ ले जाओ प्यारे। अरे यार वो डाके का क्या हुआ? अभी कुछ बहुत दिनों के बाद तुम्हें इस लिबास में देखा है माला। बहुत अच्छी लगती है। कैसी बातें करते हो? बिछड़ने का वक्त आ गया है माला। तुम्हें रतनलाल के घर पहुंचाने जा रहा हूं। सुबह इस रामायण को खोलकर बैठ जाया करूंगा, शायद तुम्हारी आवाज सुनाई दे जाएगी। मैं नहीं जाऊंगी। जाना है, मेरे साथ तुम्हारी भी जान खतरे में रहेगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। फंतूश, रोते नहीं, चल। मुझसे ना बिछड़ो हीरो। पागलपन न करो माला, जरा अपनी किस्मत को आजमाओ। तुम्हारे पास रूप है, आवाज है, रतनलाल की मदद से तुम एक दिन गाओगी और सारा हिंदुस्तान सुनेगा। तुम्हारे पास नाम होगा, शोहरत होगी, पैसा होगा। अब फिर मैं एक दिन आकर पूछूंगा टैक्सी मेम साहब। नहीं नहीं नहीं, इस मौके को ना ठुकराओ माला। आओ चलो। नहीं, जाना है। वो रतनलाल आ रहा है। वही है ना? चलिए आओ। सलाम साहब। शायद पहचाना नहीं, जाओ बात करो, जाओ। मैं बुलाऊं? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। माला, मेरी बात तो सुनो। ये क्या कर रही हो माला? मैं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें ये मौका नहीं खोने दूंगा माला। देखो, मैंने तुमसे आज तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब ये बात कह रहा हूं, वो तुम्हारी आवाज जरूर पहचान लेगा। गाओ माला, मेरी खातिर गाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं गाऊंगी, नहीं गाऊंगी। गाओ माला। जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल के ज़बाँ, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा भुला के, ओ जाने वाले
नमस्ते। अरे माला तुम थी, मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। जब मैंने तुम्हारी आवाज सुनी तब मैंने जाना कि तुम माला ही हो सकती है। कब आई तुम? अरे क्या हुआ माला? क्या चेंज लेके भाग गया? सारे टैक्सी ड्राइवर ऐसे होते हैं। आओ अपनी भाभी से मिलो। सिल्वी तुम कौन हो? भूल गई साली, उस दिन मैं उस टैक्सी ड्राइवर का खून पीने वाला था और तुमने उल्टा मुझे ही घायल कर दिया। क्या हुआ? मैंने देखा नहीं है। इधर देखो प्यारे, घायलों की फौज बैठी हुई है, चाहो तो तुम भी भर्ती हो जाओ। फिर आऊंगा। भर्ती होने? रोज रोज आओ, रोज रोज मरो। आऊंगा बेटा, फिर आऊंगा। जल्दी क्या है? मेरा तुम नया करो समझे, और यहाँ फिर कभी कदम रखा तो फुलिया बिगाड़ दूंगा। बेटा आ गया, आ गया, आ गया, आ गया भाई, आ गया। कौन आ गया, कौन आ गया? नंबर पांच मेरे हीरो, मेरा घोड़ा रेस में। अरे पर माल कितना आ गया? माल अरे बहुत बहुत। अब उसको ताजमहल का, ताजमहल से भी अच्छा होटल बना देंगे और सिल्वी यही रहेगी। अरे वाह वाह, सिल्वी सिल्वी गोली मार दी मैंने। कथा तुम्हारा बाप अंदर बैठा है। चलो सर जी, आपसे बात करनी है। बहुत देर से आए, टैक्सी ड्राइवर बस निकला। है कोई बात नहीं है, मेरा ख्याल है कि पैसा देकर उसका मुंह बंद करवाया। ठीक है सेठ साहब, उसके कहने से अगर पुलिस पीछे पड़ गई तो बंबई छोड़कर भागना पड़ेगा। नहीं नहीं, शहर में रहना ठीक है। तुम टैक्सी ड्राइवर पर नजर रखो और कल शाम को रतनलाल के मकान पर जाकर सेठ भगवान दास से मिलकर कहो कि उसे फिल्म के लिए पैसा मिल जाएगा। हाँ, सूद ज्यादा देना होगा। जाओ, ख्याल रखना। सलाम साहब। सलाम। वो जो लड़की आई थी ना उस रोज मेरी टैक्सी में, उसका सामान रह गया था, जरा बुला लीजिए उसे। लाला मैं दे दूंगा। बुला दीजिए ना। कह दिया ना मैं दे दूंगा, वो नहीं आ सकती। जी हाँ, वही टैक्सी ड्राइवर, भला मांस निकला। चला तो नहीं गया। आपसे मिलना चाहता था, मैंने मना कर दिया। क्यों? मैं जाती हूँ।
घबराते क्यों? ये वही छोकरी जिसे हम लोग जूहू पर ले गए थे। इसे कहीं और भी देखा है। मामला क्या है? आइए। हेलो, कैसे हैं? हुआ? आइए, इसे बात करता हूँ। कहिए क्या बात है? प्रोड्यूसर साहब के लिए हमारे सेठ ने एक संदेशा भेजा। वो तो तशरीफ नहीं लाए, मुझसे कहिए मैं कह दूंगा। संदेशा सिर्फ उन्हीं के लिए है। कब तक आएंगे वो? सिर्फ आधे घंटे तक। तो हम लोग इंतजार कर लेंगे। शौक से तशरीफ रखिए। बात सुनी। अरे भाई इधर आओ। अच्छा भाई मत आओ, हम आते हैं तुम्हारे पास। बात तो सुनो।
इतनी बड़ी कौन सी बात होगी थी कि दुश्मनी बन गई? छोड़ो पिछली बातों को, हम तुम तो दोस्त दोस्त हैं भाई। हाँ बात ये है कि वो जो पुलिस वाला मामला है ना, उसमें अगर खामोश रहो तो मजा आ जाएगा बेटे। बातें किससे कर रहे हो? अपने बाप से। साहब कभी जवाब नहीं, क्या रियाज कराया है? बहुत उम्र गाती हैं आप। अरे साहब कभी इन्होंने फिल्म में गा दिया तो पब्लिक तड़प उठेगी। आप बहुत ठीक है, बहुत सच्चाई जवाब नहीं। आवाज में कितना दर्द है सेठ साहब। हाँ आप तो सिर्फ गाना ही नहीं फिल्म में हीरोइन भी बन सकती हैं। क्यों प्रोड्यूसर साहब? मैं भी यही सोच रहा था सेठ साहब, लेकिन हमारे डायरेक्टर साहब की क्या राय? अरे साहब मेरी राय क्या हो सकती है, मेरी राय वही है जो आपकी और सेठ साहब की। तो बस ठीक है, अभी मैं इनसे वो गाने गवाऊं जो पब्लिक एक दफे को याद करे साहब। एकदम अंग्रेजी तर्जे भी हो जाए, मतलब रंबा संबा छिक छुका छुक छिक छुका छुक छिक छुका छुक छिक छुका छुक। यहाँ एक क्लब है जहाँ एक बलैती लड़की बड़े अच्छे गाने गाती है, उसे जरूर सुनिए। मैं आपको वहाँ ले चलूंगी। जरूर, ये तय रहा। Thank you.
मारे कौन है इधर? साहब देखिए मैंने इतना अच्छा क्लब खोला है और ये गुंडे आके यहाँ ढाली बिता रहे हैं। देखिए और बड़े राम का सरदार वो इंस्पेक्टर साहब एक अंदर भी बंद है एक ये भी है साहब। अरे मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ भाई। अरे किधर का फिल्म डायरेक्टर? चलो इधर साहब। इंस्पेक्टर साहब एक यहाँ बैठा हुआ था उसी ने गोली चलाई है। मेरा ख्याल कहीं वो भाग गया। बड़ी हम तो बह रहे हैं। ये लो कॉफी पी लो ठीक हो जाओगी। जान देने को तैयार हो गए? शाबाश। तुम्हें मारकर इस बात का अफसोस नहीं होगा कि हमने एक बुजदिल को मारा। तो इसी बात पर एक सिगरेट हो जाए। हो जाए। हमसे लो। काबू में आया है। जॉनी बत्ती जलाओ। ये डिमांड आपको दे देना। कहेंगे पुलिस हवाले कर दे। अरे भैया अंतल। यस। सिल्वी कहाँ है? मालूम नहीं शायद चले गए। उससे कहना कि मैं आऊंगा। उसका शुक्रिया अदा कर दूंगा। मेरी जान बचाई।